बहुत समय पहले स्वर्ग लोक में पांच जादुई चांद रहते थे। वह पांचों चांद बहुत ही ज्यादा घमंडी और बुरे स्वभाव के थे। स्वर्ग लोक में तरह तरह के जादुई फलों के पेड़ हुआ करते थे। पांचों जादुई चांद हमेशा सारे फल तोड़कर खा जाते थे, जिस वजह से स्वर्ग लोक में रहने वाले दूसरे लोगों को खाने के लिए कुछ भी नहीं मिलता था। वही स्वर्ग लोक में एक विशाल पहाड़ था। हर रात उस पहाड़ की चोटी पर ढेर सारा स्वादिष्ट खाना प्रकट होता था। लेकिन जब पांचों चांद को उस बारे में पता चलता है तो वह सभी लालच में आकर पहाड़ के ऊपर पहुंच जाते हैं। फिर वह पांचों पहाड़ की चोटी पर प्रकट होने वाला सारा खाना खा जाते हैं, जिस वजह से स्वर्गलोक के दूसरे लोगों को भूखे रहना पड़ता है। इस बात से सभी लोग बहुत नाराज हो जाते हैं। अरे, इन पांचों चांद भाई को जादुई पहाड़ पर मिलने वाले खाने के बारे में पता चल गया है। अब तो ये लोग रोज रात को यहाँ आकर सारा खाना खा जाएंगे। हाँ, इन पांचों की वजह से हमारा जीना हराम हो गया है। इन्हें स्वर्ग लोक से भगाना होगा। फिर सोचना क्या, चलो इन पांचों को हमेशा के लिए स्वर्ग लोक से भगा देते हैं। यह सुनकर पांचों चांद घबरा जाते हैं, लेकिन स्वर्ग लोक के दूसरे लोग उन पर जरा भी रहम नहीं करते और उन सभी की पिटाई करके उन्हें हमेशा के लिए स्वर्ग लोक से भगा देते हैं। उन सभी चांद के पास रहने के लिए कोई जगह नहीं थी, इसलिए मजबूर होकर वे सभी पृथ्वी पर चले जाते हैं। हमें स्वर्ग लोक से भगा दिया गया है, इसलिए अब हम बाकी की जिंदगी इसी पृथ्वी पर रहेंगे। मैंने सुना है पृथ्वी में खाना बहुत अच्छा मिलता है। अगर हमें यहाँ अच्छा खाना मिल जाए तो फिर हमें और क्या चाहिए। इस समय पृथ्वी पर शादियों का सीजन चल रहा है। पृथ्वी के लोग शादियों में तरह तरह के स्वादिष्ट पकवान बनाते हैं। हाँ, तूने सही कहा। पृथ्वी के लोग मसालेदार तीखा खाना बनाते हैं। उनका खाना बहुत ही लाजवाब होता है। फिर वह पांचों चांद इधर उधर घूमने लगते हैं। तभी उन्हें एक शादी का हॉल दिखाई देता है। अरे वाह, यहाँ तो खाने की खुशबू आ रही है। उसके बाद वह सभी चुपके से शादी के हॉल में दाखिल हो जाते हैं और वहाँ मौजूद खाना खाने लगते हैं। देखते ही देखते वह पांचों सारा खाना खाकर खत्म कर देते हैं। ओए, इससे पहले कि कोई हमें देख ले, चलो यहाँ से भाग चलते हैं। फिर वह पांचों वहाँ से भाग जाते हैं। दूसरी तरफ थोड़ी ही देर में वहाँ बारात आ जाती है। शादी की रस्म होने के बाद सारे बाराती खाना मांगना शुरू कर देते हैं। भैया, हमने जो खाना बनाकर तैयार किया था, पता नहीं अचानक सारा खाना कहाँ गायब हो गया। अरे, ये तो बड़ी मुसीबत हो गई। अचानक खाना कैसे गायब हो सकता है? अब मैं लड़के वालों को क्या जवाब दूंगा? तभी वहाँ लड़के की माँ आ जाती है। सब कुछ ठीक तो है ना? बराती खाना मांग रहे हैं, तुम उन्हें खाना क्यों नहीं देते? और कितना टाइम लगेगा? जी, हमने आप लोगों के लिए बहुत सारा खाना बनाकर तैयार किया था, लेकिन अचानक सारा खाना गायब हो गया। अब आप लोगों को खिलाने के लिए हमारे पास कुछ नहीं है। यह सुनते ही लड़के की माँ गुस्से से तिलमिला जाती है। अरे, तुम सबने मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? पहले ही दहेज में तुम लोगों ने एक पैसा नहीं दिया, ऊपर से अब सबको भूखा रखना चाहते हो? तुम्हारी कंजूसी की हद होती है। हाँ दीदी, तुमने बिल्कुल सही कहा। मुझे तो ये लोग पहले से ही पसंद नहीं थे। तुमने इस घर में रिश्ता जोड़कर बहुत बड़ी गलती कर दी। अभी भी कुछ नहीं बिगड़ा है। मैं अपने भांजे के लिए और भी कई अच्छी लड़कियां लाकर खड़ी कर सकता हूँ। इसी वक्त शादी रोक दो और चलो यहाँ से। ऐसा मत करिए, आप लोग बारात लेकर लौट गए तो हमारी बड़ी बेइज्जती हो जाएगी। फिर मेरी बहन से कौन शादी करेगा? ये सब तो तुम्हें पहले ही सोचना चाहिए था। अब मैं तुम्हारी एक बात नहीं सुनने वाली। उसके बाद लड़के वाले नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। इस तरह उन पांचों चांद की गलती की वजह से उस मासूम लड़की की शादी टूट जाती है। दूसरी तरफ पांचों चांद रोज इसी तरह शादियों में जाकर खाना चुराकर खाना जारी रखते हैं, जिस वजह से और भी कई लड़कियों की शादी टूट जाती है। फिर एक दिन वह पांचों चांद खाने की तलाश में घूम रहे थे, तभी उन्हें नदी के किनारे एक बहुत बड़ा मंडप दिखाई देता है। अरे वाह,
वो देखो उस नदी के किनारे कितना खूबसूरत मंडप लगा है। लगता है किसी अमीर आदमी की शादी हो रही है। ये अमीर लोग इसी तरह सुंदर जगह में शादी करते हैं। ओए इसका मतलब वहाँ खाना भी अमीरों वाला होगा। चलो फिर जाकर सारा खाना चट कर लेते हैं। उसके बाद वह सारे चांद चोरी से वहाँ दाखिल हो जाते हैं और खाना चुरा कर खाने लगते हैं। लेकिन थोड़ी ही देर में अचानक उनके शरीर का आकार छोटा होने लगता है। यह देख पांचों चांद घबरा जाते हैं। अरे ये क्या, अचानक हमारे शरीर का आकार छोटा क्यों हो रहा है? ओए मेरी समझ में कुछ नहीं आ रहा। अचानक हम सभी छोटे होते जा रहे हैं। लगता है किसी ने हम पर जादू किया है। तभी वहाँ एक जादूगर आ जाता है। जादूगर के हाथ में एक जादुई चमकदार छड़ी थी। हाँ तुमने बिल्कुल सही कहा, मेरे ही जादू की वजह से तुम सभी की ये हालत हुई है। मैंने ही यहाँ खाना बनाकर रखा था। ओए लेकिन तुमने हमारे साथ ऐसा क्यों किया? हम तो तुम्हें जानते तक नहीं। तुम सबने शादियों में जाकर खाना चुराकर कई लड़कियों की जिंदगी बर्बाद कर दी है। इसीलिए तुम सबको सजा देने के लिए मैंने यहाँ झूठी शादी का नाटक रचा है। अब थोड़ी ही देर में तुम सब फुटबॉल के रूप में बदल जाओगे। उसके बाद मैं तुम सबको ले जाकर जंगल में फेंक दूंगा। अगले 5 साल तक तुम सब फुटबॉल बनकर रहोगे। यही तुम्हारी सजा है। जादूगर जी हमें माफ कर दीजिए, आज के बाद हम कभी खाना चुरा कर नहीं खाएंगे। हाँ जादूगर जी, दया करके हमें माफ कर दो। हम इस तरह फुटबॉल बनकर अपना जीवन नहीं जीना चाहते। मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम जैसे स्वार्थी चांद के लिए यही सजा ठीक है। 5 साल तक तुम सभी फुटबॉल बनकर रहोगे। फिर देखते ही देखते पांचों चांद फुटबॉल के रूप में बदल जाते हैं। उसके बाद जादूगर पांचों फुटबॉल को ले जाकर जंगल में फेंक देता है, जहां जंगली जानवर फुटबॉलों को अपने पैरों से मारकर खेलने लगते हैं। इस तरह लगातार 5 साल तक फुटबॉल बने सभी चांद अपनी सजा काट रहे थे। फिर 5 साल पूरे होने के बाद वह पांचों अपने असली रूप में आ जाते हैं। सजा मिलने के बाद से पांचों चांद पूरी तरह सुधर जाते हैं और जिंदगी में दोबारा कभी किसी को परेशान करने की हिम्मत नहीं करते।